और ना यहाँ पे कुछ तो भूतिया और आपकी जिंदगी के बारे में। ये सच बात है क्या? सही बात है। क्या है मैंने इधर एक हत्या हो गई, तब गाड़ी साइड में लगा के सो गया, तो मेरे को भी थोड़ा गाड़ी में हिलना बिलना ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था, मेरे को भी डर लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशीष अभी आया है कैसीनो से पोकर खेल के और ये सुबह सुबह नाश्ता करके बैठ गया है यहाँ पे। नाश्ता इसको बहुत अच्छा मिला है। नींद नहीं आ रही बट काफी भी लगी। तुम्हारा क्या रहा कल का? आई वॉन। तो अभी ये खाना खा रहा है फिर ये सोएगा। ये फ्लैट हमें स्पार्टन पोकर की तरफ से मिला है गोवा में। ये देखो आशीष अभी तक भी नहीं सोया, पूरी रात से नहीं सोया, कल से नहीं सोया, अभी भी नहीं सो रहा। अभी ये आके काम कर रहा है, देख रहा है कि इसके फेसबुक पे यूट्यूब पे क्या क्या चल रहा है, तो वो बैठ के सबसे पहले काम करता है फिर सोता है। देखो मैंने तुम्हारे लिए अच्छी बातें बोल दी, अब मेरे को पैसे दे देना। फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं, छोड़ के हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं। लास्ट टाइम ना, मतलब इच्छा मानता नहीं हूँ, बट लास्ट टाइम मेरा फ्रेंड ना इस बिल्डिंग में रहा था और शायद ये फ्लैट था, पता नहीं कौन सा था वो, उसके ना बुरा सा है हल्के हल्के, उसकी पूरी फैमिली रही थी, वो मुंबई से आया था एक्टर का 3-4 महीने पहले, याद है? उसका नाम था अभिलाष कुमार, अभिलाष कुमार याद है? अब सच्ची बता रहा हूँ, अभिलाष ने मुझे बोला कि वो यहाँ पे 2 दिन रहा था और ना यहाँ पे कुछ तो भूतिया था, उसने आपको बोला जाएगा? नहीं, अभिलाष ने मुझे पता स्ट्रिक्टली बोला था, अभिलाष रुका था यहाँ पे, और अभिलाष ने बोला था मैंने पता एक दिन के बाद मैंने यहाँ से मैंने बोला मुझे यहाँ से निकालो, कहता पहले तो मेरी बहन बोल रही थी आवाज़ आ रही, कहते मैं सुबह लिटरली रात को और आपकी जिंदगी की आवाज़ आ रही, कहते पागल हो गए यार, भैया अकेले रहते हैं, आप अकेले रहते हैं पागल जैसे। भैया एक बात बोलूँ, ये ना ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मेरे को तो आज तक भी नहीं, 2 हफ्ते हो गए। तो मेरा दोस्त को झूठ बोल रहा था, अभिलाष ने झूठ बोला था कि ये कहते शायद दूसरा फ्लैट होगा। भैया पता क्या था, अभी जिस फ्लैट में रुके थे ना, तो वो फ्लैट मेरा दोस्त रुका था, तो उसने मुझे फोन किया, उसने बोला कि भाई इस फ्लैट में मैं रह चुका हूँ, कहता मैं एक दिन रहा था और पूरे घर वालों को रात को चीखने की रोने की आवाज आ रही थी बाहर से, सही बात के बाहर से हॉल से, सही बात है, किसी की हिम्मत नहीं हुई रूम के बाहर जाने की, सही बात। अगले दिन उसने फोन किया, उसने बोला भैया मेरा रूम चेंज कराओ, और इसलिए मैं यहाँ पे जाना नहीं चाह रहा था, बट हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सच बात है क्या? सही बात है। क्या है मैंने इधर एक हत्या हो गई, जो आपका ये है ना अपॉइंटमेंट, वहीं पर एक हत्या हो गई, एक इंसान उधर आया था, मतलब शादीशुदा, नई नई शादी है, तो उधर एक मर्डर हो गया, सिर्फ फ्लैट में नहीं बोल सकता। तो इतनी भूत की कहानी क्या है? वहीं पर हो गया, लेकिन वो दोनों साथ में मर गए, वही इसने बोला था कि आपको मैं बोल रहा हूँ, तो शादीशुदा जो उनका ये था ना मिलन, हनीमून उसी टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोल रहा हूँ, एक दिन मेरे को इधर आपको जैसा मैं पिकअप किया ना, वैसे मेरे को इधर पिकअप था, तब गाड़ी साइड में लगा के सो गया, तो मेरे को भी थोड़ा गाड़ी में हिलना मिलना ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था, तो बाद में जाके मैं सिक्योरिटी को पूछा, तो सिक्योरिटी मैंने क्या बताया, नहीं भैया ऐसे ही होता है इधर, हमको भी थोड़ा त्रास होता है, हम लोग जागे रहते हैं, तभी लोग कम ही रहते हैं, यही स्टोरी है। अभी आपको मैं डर डर के बता, मेरे को भी डर लग रहा है। हम जा रहे हैं अपने दूसरे होटल, बस पहुँचने ही वाले हैं, प्रॉपर्टी में यहाँ पे स्विमिंग पूल है, क्योंकि वहाँ की भयानक स्टोरीज सुनने के बाद अभी ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लग रही है। मैं इसका व्यू दिखाती हूँ, पूरा कसिनो का व्यू है, मतलब किसी कोई सुबह आया हो कसिनो से बाहर और सोया हो, उसको बाहर बालकनी में जाके फिर से कसिनो दिखने वाले हैं। तो ये व्यू है, ये क्राउन करके एक होटल है, इसके अंदर भी कसिनो है, बाहर है, देखो आशीष वहाँ पे खड़ा हुआ है, जिसको हर चीज जल्दी 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 चलो 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 चलो, जब से आए तब से नहीं करना, चलो क्या बोल रहे हो, चलो चलो करते रहते, चलो चलो के हमें आ चुके हैं आशीष का रूम, ये 105 आशीष का रूम। आशीष इतना चालू है ना, ये जिस भी होटल में जाता है ना बड़ा रूम ये लेता है, मुझे नताशा को छोटा रूम देता है। वेरी वाओ। ये सिटिंग एरिया, ये मैं, ये आशीष, ओ वाओ आशीष का रूम है ट्रायंगल, आशीष का, ओ वाओ आशीष अपने घर का, तो टू मम्मी मैं इससे गिर चुकी थी अभी पैर लग के, आशीष और आशीष के मंदिर वो सामने है, मंदिर नहीं दिख रहे थे राशु क्यों? नहीं नहीं नहीं, तो एक्चुअली क्या है जो ये रूम है, इस रूम के एकदम ऑपोजिट जहाँ कैसीनोज है सारे के सारे, उस पानी में, बट कैसीनो उस साइड है, थोड़ा उस साइड है, तो देखिए रहा एक्चुअली इन्होंने थोड़ा सा बीच का अलग सा फील दे दिया। आप लोग मेरा रूम देखने जाते हैं? मेरा नहीं, तुम्हारा अलग है ना, मेरा अलग है, तुम्हारा मेरा अलग है ना, एक और रूम, तीन रूम।
तीन रूम है। तो मेरा बता दे, जैसे मेरा देख लो आशीष को चला के वो बड़ा वाला रूम, जैसे उसको जाता सबसे पहले पहुंच जाता है कि बड़ा रूम, कि बड़ा रूम चाहिए, बड़ा रूम चाहिए। रुको, ये है मंका का रूम, नाइस। मैंने कहा कि बाहर टेरेस है बहुत बड़ा, नो व्यू, देयर इज नो व्यू। एसी के पंखे लगा दे, एक बार बोलना, ये रूम बहुत अच्छा है। वाओ, थैंक यू। ये मोनिका के बेल्ट, आई थिंक वो वाला मेरा है फिर। हाँ, करेक्टेड ही हमारे बाजू। हाँ, ओ वाओ। अभी हम थोड़ा काम करने वाले हैं, नताशा को बनाने बहुत सारे वीडियोस, अपने ऑडिशन, आशीष को अपना सारा काम करना है, उसके बाद हम लंच करके ऑलरेडी निकल चुके हैं। अब हम थोड़ा सा लेंगे ब्रेक, उसके बाद जब हम तैयार होंगे तो सीनों के लिए फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ये क्या कर रहे हैं दोनों के दोनों मिलके? एक काम कर रहे हैं यहाँ आशु, चोर कर चोरी, आशु आशु इतना चोर इंसान है ना, ये क्या करता है, सब चीजें ले जाता क्यों तुम ऐसे। हाय गाइस, तो अभी हम रेडी हो चुके हैं कसीनो जाने के लिए। अभी हम जाएंगे कसीनो और इसके बाद वहां पे खाएंगे खाना, क्योंकि मैं हमेशा कसीनो खाना खाने के लिए जाती हूँ। अभी भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ क्योंकि मैं बार बार भूल जाती हूँ कि यहाँ देखना है या वहां देखना है। तो मैं सॉरी अगर मैं आपको वो ज्यादा चीज बुरी लग रही हो, पर मैं स्ट्रगल कर रही हूँ उस चीज में, तो मैं ट्राई कर रही हूँ अपना बेस्ट। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं कसीनो, मैं रेडी हो चुकी हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। खाने की आई थिंक मैं वीडियो ले सकती हूँ वहाँ पे, तो मैं आपको वीडियो लेके बताऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है। आप रो क्यों रहे हो? भैया खुश है क्योंकि भैया अपने साथ एक फिश लेके आ रहे हैं, एक शार्क अपने। तो जिनको पता नहीं है, पोकर में जिनको खेलना नहीं आता उनको फिश बोलते हैं, और जिनको खेलना आता है उनको शार्क्स बोलते हैं। अब हम आ गए हैं बिग डैडी, तो अब हम जा रहे हैं बिग डैडी। कल भी हम गए थे बिग डैडी, कल का दिन अच्छा नहीं था, थोड़ा सा स्किल गेम है पोकर, दिमाग यूज करना पड़ता है। एक्चुअली कल रात भर पोकर खेला, मॉर्निंग में मैं आया 9 बजे, उसके बाद से मैं सोया नहीं हूँ। अब फिर जा रहा हूँ पोकर खेलने के लिए, लेकिन मैं आज बहुत कम खेलने वाला हूँ, मैक्सिमम 1 घंटा और 1 से 5 घंटा मैक्सिमम 1 घंटा। तो गाइस, हम लोग ऑलरेडी हमारा वेट कर रहे थे ना, हम लोग ब्लॉग बनाने के चक्कर में बाहर रह गए। आशीष घुस चुका है, नताशा घुस चुकी है, हम आ चुके हैं बिग डैडी। तो ये होती है फेरी, इसमें हम जाते हैं पोकर खेलने के लिए। ये इसका बाहर का व्यू है, तो यहाँ से छूटती है फेरी। एक वो कसिनो है, एक वो कसिनो डेल्टन जैक, एक आगे है कसिनो प्राइड, एक उसके आगे है बिग डैडी। तो हमें जाना है बिग डैडी, जो कि बहुत आगे है। कौन कौन कसिनो गया है वो नीचे कमेंट करना, कौन कौन नहीं गया कसिनो वो भी कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा आपको कसिनो दिखा पाऊँ। अच्छे से मेरा है बेस्ट पोकर प्लेयर, थोड़ा सा सिर्फ टूर्नामेंट खेलती है, कैश गेम नहीं है। कसिनो कसिनो के अंदर शूट नहीं कर रहे थे, तो कसिनो के बाहर तक इसको छोड़ के आते हैं, और फिर छोड़ के आने के बाद देखते हैं कि ये अंदर से बाहर जब आता है तो ये कितने पैसे कमा के आता है। तो कमा के आने वाला है, गवा के आने वाला है, जो भी होता है के अंदर खबर किसी को कानो कान नहीं होती, कानो कान खबर के अंदर रहता है, ये एक रहस्य है कसीनो के अंदर। और आपको एक चीज बताऊं, कसीनो के अंदर कभी वॉच नहीं होती है, कसीनो के अंदर कभी वॉच नहीं होती, कभी खिड़की नहीं होती। तो लोग तीन तीन दिन खेलते हैं, पता नहीं चलता कि अंधेरा हो रहा है, क्या हो रहा है, टाइम कितना आ गया नहीं पता होता। तो सुबह के 4 बज चुके हैं, हम कसीनो से बाहर निकल रहे हैं और खुशी से निकल रहे हैं, अच्छे मूड में, क्योंकि हमारा लक चला और हम जीते। तो अभी गुड नाइट करते हैं, जीत के साथ बाहर निकल रहे हैं, अच्छी बात है, ऐसे लक चलता रहे पूरे साल भर। गुड नाइट, बाय।